एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज थोड़ी मॉर्निंग लेट हो गई है फिर से। कल ना मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो पाई थी, कल मैं जल्दी उठ गई थी शूट की वजह से। और ऐसा क्यों होता है कि मैं हमेशा कैमरा ऑन करती हूँ, डॉलर भौंकने लग जाता है। मैं कब से विशाल को उठा रही हूँ, लेकिन मेरे को डेढ़ घंटा हो चुका है उसको उठाते हैं, बट वो उठ ही नहीं रहा है। और देखना आज मैं उसको फिर से गुस्सा करने वाली हूँ कि उसके ना उठने की वजह से ना बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं सिर्फ उसकी वजह से। ऐसा है कि मैंने ना कल परसों ही डिसाइड करा कि मैं कॉफी मतलब लाइक कम कर दूंगी अपनी। मैं बहुत ज्यादा ही पीने लगी थी, लाइक डेली कभी कभी दिन में दो दो बार हो गई थी, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी पीती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा कम कर देना चाहिए, विशाल ने भी मेरे को बोला। तो आज मैं कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ, मैं आज पी रही हूँ बॉर्नविटा वाला दूध, जो मैं पहले भी बहुत पीती थी। बीच में थोड़ा कम कर देता बट मैं दोबारा से इस पर आ गई और बिस्किट खाऊंगी, बॉर्नविटा वाला दूध पीऊंगी और एक मस्त कोरियन ड्रामा देखूंगी अभी। हाय, नो शैतानी, नथिंग, ओके, कोई बदतमीजी नहीं करना दोनों मिलके यहाँ पर। अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं। बाय। यार सीन है ऐसा कि मैं मतलब 2 महीने पहले मैंने पासपोर्ट के अप्लाई किया था, बट ड्यू टू एक एड्रेस प्रूफ की वजह से मैं तत्काल में अप्लाई किया, 2000 रुपये दे दिए। 2000 रुपये गए बट वो तत्काल की जगह नॉर्मल में चला गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि गैस कनेक्शन भी एज अ एड्रेस प्रूफ वर्क करता है। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पूरे 5000 रुपये दे के गैस कनेक्शन अपने नाम करवाया इस घर का। जब वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आते हैं ना, तो वो आए, उन्होंने बोला कि गैस कनेक्शन तो चलेगा ही नहीं, हमें आधार कार्ड ही चाहिए। अब भाई ये कोई बात होती है? आपने तो मेरे को पहले बोला है कि वो करवा के दो, वो चल जाएगा, बट फिर वो वर्क नहीं करता। मेरे 5000 रुपये भी नहीं हो गए। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कराने, क्योंकि यार पासपोर्ट की ज़रूरत तो है, वरना मैं बाहर की ट्रिप कैसे मारूँगी, इंटरनेशनल ट्रिप कब तक ही घूमूँगी। यहाँ पर मेरा आधार कार्ड का एड्रेस बदल रहा है, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा। नहीं अब तू देख बेटा, तू देख, अब तू फिर से लेटा पड़ा आराम फरमाना ना, मन तो करते नोच दू। उठ जल्दी, उठ रही, उठ रहा, बंद करना आंखों पे फ्लैश मार। अच्छा ईर एक्ट, अच्छा बंदे ने स्नैप भेज दी, रील डाल दी, पर उसकी नींद नहीं खुली। चल बाहर, तू देख बेटा मैं कैसे फ्लाइट पकड़ के बाहर जाऊंगी। ये मेरे पे शक कर रहा है, मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है, इतना घटिया इंसान है। मैंने इसके लिए फेस वॉश चुराया, इसने मेरे से 700 रुपये ले लिए और बड़े वाला फेस वॉश अपने घर में रख लिया और छोटे वाला मेरे को दे दिया, 200 वाला जो खुद के लिए मंगाया था। तो चोटी चोर, तो मतलब मैं तेरे साथ 7 साल से मैं चोरों के इल्जाम लगा रहा है, कर रही है चोरी 7 साल बाद। मैंने नहीं करा, मैंने शायद छोटा वाला ऑर्डर कर दिया होगा तेरे लिए, मेरे को तो नहीं पता था। तूने अपने लिए करता छोटा वाला, तूने शतरंज रचा है मेरे साथ। इतना मारूंगी ना, इतना घुसंड मारूंगी। ट्रेंड आ गया है, एक दोनों एकदम सेम ही दिखते हैं। माय गॉड, किसिंग ईच अदर, इतना तो मेरे साथ भी नहीं करता है। ओ, किस में सो रही है पता? आज अबे जो बोलेगा वहां जाएंगे, हौसका या सुभाष नगर, कुछ नहीं बोलना पीछे से। सुभाष नगर ही जाऊंगा भाई मैं, कोई कुछ भी बोले सुभाष नगर जाऊंगा भाई, हॉस्कल बहुत दूर है, ट्रैफिक भी बहुत होता है। ट्रैफिक खाली, मैंने पहले चेक करवा दिया अपनी टीम से। तेरी टीम तो रोड पे कटोरा लेके बैठी होगी। तो क्या मतलब है तेरा, क्या मेरे का मतलब है? तमीज है देखो, लैंग्वेज खत्म हो गई, ये देखो मारता है। मम्मी चिट रखी थी, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि ये मतलब राजमा भिगो देती है डेली डेली, तो आज फिर से हम भिगो रहे हैं राजमा। और जब मम्मी घर आएंगी तो डेफिनेटली उनको बनाने तो पड़ेंगे, वेस्ट तो करेंगे नहीं। और इसमें मेरे साथ अभी भी शामिल है इस प्लान में, कुछ भी है नहीं है, नहीं मना भी नहीं कर रहा ना कि राजमा मत भिगो, तू भी तो खाने का शौकीन है। हाल अपना फेवरेट सीरियल देखते देखते खाता है। मम्मी देख रही है, जब से तू ही देख रहा है यहाँ बैठ के। रसोड़े में कौन था? अहम मोदी। अहम मोदी, ये कौन है? ये मोटा भाभी है ना आंटी, मोटा भाभी है ना, देखा? तू देखती है ना, मैं थोड़ी देखता हूँ। तेरे को सब पता है, तू रोज देखता है। गोपी भाव में इतना टैलेंट है कि आग में घुस गई।
तो पति आंटी पागल है जो किचन में सो रखा है। नहीं वो सो गया, थोड़ी आग लग गया था ना, चंदर फट गई, तो गया था इसके लिए साड़ी ला रहा था, तो साड़ी दे दे। ओहो साड़ी लाया था, गोभी बहू को साड़ी की चिंता है कि साड़ी कहाँ चली जाएगी। अब देखो जा भी नहीं रही, जान की एक्टिंग कर रही है। ओहो कपड़े में भी आग लगा लिया गोभी बहू, बहुत गलत है यार गोभी बहू का सिस्टम। ओह एम के कोट जल गया यार, 5000 रुपए वाला, 50,000 का कोट पहनते हैं। तुम 500 का पहनती है क्या? नहीं 500 का मिलता है, ओएलएक्स मिलता है। साहू पहनता है, 500 ओएलएक्स मिलते हैं कोट, डील करके और क्या। ओहो उसको पता है कि वो उठ नहीं पाएगा, वो बेहोश हो रखा है। फिर एमजी उठ चुके हैं गोपी को देखते ही, प्यार है क्योंकि एमजी उठते ही पूछ रहे गोपी तुम यहाँ पे क्यों आई। आंटी आपको अच्छा लगा कि एमजी उठ गए हैं? आंटी तो रो रही है एमजी को देख के भाई, रोने आंटी रो, आंटी रो क्यों रही हो? क्या क्या हुआ, क्या हुआ? तो गए एमजी, तू बकवास मत कर ठीक है, रख फोन। यहाँ पर हमें मिला है प्यार ऐसा दोस्त मेरा, भूखा है आ जा खा लेगा वो। हम लोग आए हैं ये पेट शॉप पे, तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? क्या पता बोल रही हो, तू भी झूठा मैं भी झूठी, तो अभी फटाफट थोड़ा सा खाना ले लेते हैं। उस दिन पैसे मतलब मिले थे मेरे को जो चैलेंज करके एक रुपए से 1000 रुपए बनाने वाले में, तो वो इसी परसेंट अगर आप लोगों को हो, मैंने वो पैसे भाई नहीं अपने ऊपर एक भी खर्चा कुछ नहीं करा, ना इसने करा है, सब इधर है, तो इससे मैं लेने वाली हूँ। ये देखिए सिक्के भी हैं, इससे हम लेंगे डॉग फूड जैसा कि मैंने एक सिक्का खर्च देंगे हमारा चंक्स। मेरे पास हैं बहुत सारे पैसे, इतने पैसे की कुछ फूड ड्राई वाला भी लू है ना, ड्राई वाला तो पड़ा है ना मेरे पास, आप लोग भी लो और खिलाओ। मैं आप सबको ये मैसेज दूंगी हमेशा कि डॉग मतलब कोई भी जानवर हो, काओ बिल्ली बर्ड सबको खिलाओ। इवन मेरे घर पे डेली रात को बिल्ली आती है, उसको मैं दूध पिलाती हूँ, तो जानवर मेरे पास खाने के लिए आते हैं, बिल्कुल मना नहीं करती। ले लिया है अपने अपने बच्चों के लिए खाना, थैंक यू बिल, वेलकम, थैंक यू बोल रहे हो, तेरे को वेलकम बोल ले घमंडी, वेलकम भैया। तू फिर से मेरे पे इल्जाम लगा देगा कि तेरे गाड़ी में चूहे मेरी वजह से आते हैं, तेरी वजह से ही आते हैं। देखो ये देखो से बंद भी नहीं कर रखा था तूने, पूरा बंद है। ये है मेरे ड्राई फ्रूट डॉग्स का, इसमें भी ग्रेवी ले रखी है हमने, इसमें भी भर दी, साथ में मैं फिर प्लेट्स कैरी करे ताकि उनको जमीन पे ना दे, कभी कभी होता है जब नहीं हो पाती हम पे प्लेट्स तो देना पड़ता है। बंद कर दे ऐसे, अरे ऐसे होती है तेरी बंद, तो टांग ऐसे करके इतनी फीचरिस्टिक गाड़ी में आई है एक नई नई दिक्कत, तो ये बाहर खड़ी है देख रही है क्या दिक्कत है, मतलब खड़ा करा गया इसको, अब देख तो और पीछे जाना है मेरे को, थोड़ी तेज तेज कर चलाऊंगा ना फिर पता लग जाएगा। खड़ी है कुछ भी आवाज नहीं आ रही, रोड पे क्यों आ रही है फिर, क्या पता रोड पे कुछ हो, अपनी यहाँ ठीक हो गया होगा मड गार्ड कुछ अटक गया होगा क्या उस टाइम, चलो देखते हैं अगर रोड पे है तो फिर उतार देंगे इसको, पागल है क्या। आई रिटर्न करने के लिए थी और यहाँ पे कपड़े वपड़े उठाए खड़ी हो गई, कपड़े बहुत अच्छे लग रहे, पहले बताइए कैसा लग रहा है, ये है क्या स्कर्ट है वो है शॉर्ट्स, छूट गया था यहाँ पे और हम बिलिंग कराने चले गए थे, अभी लकीली मिल गया, इसमें है सामान या नहीं है तो सही, खड़े नींद आने लग गई, ये कैप्चर हो गया, ये तो सारा सामान रिटर्न करा देगी, अभी बोला तो रिटर्न कराऊंगी, नींद आने लगी मेरे खड़े खड़े, अब चल भूख लग रही है भाई, भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो मैकडी खाऊंगा, तू ही खा मैं नहीं खाऊंगी, चल तो चलेगी तो तेरे तो अच्छे कच्चे भी चलेंगे। मैंने मंगाया था अपना खाना और कोई भी नहीं है मेरे साथ, परी चली गई नीचे अपने नाखून करवाने, नेल का भी चढ़वाती है, नेल पेंट का भी उतरवाती है, पागल औरत, लड़का कैसे अकेले अकेले ठूस रहा है, ऐसे कौन खाता है, खा भी क्या सारे, चलिए गलत बात होती है ठीक है, गेस व्हाट व्हाट गेस तो कर क्या हुआ होगा अभी, ऐसे में क्या मिला होगा अभी, मेरे को शेक
स्मॉल के साइज में लार्ज मिला है स्मॉल के प्राइस में। पता नहीं कुछ आज ऑफर होगा। और कल भी पता है मेरे को स्टारबक्स की कॉफी में कॉफी मैंने पी नहीं, कसम से नहीं पी। मैंने वैनिला मिर्च वो भी फ्री मिला था। चार्जर वाले पॉइंट से क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है? अरे ऐसे करके तो फोन ऐसे रख के कैसे देखूंगी? दिखा क्लोज योर आईज एंड लुक। अरे ये इसके अंदर देख भाई। अच्छा रख ले फोन, नेट टेढ़ा रख ले। नहीं तो ये बात है ऐसे बिल्कुल घर जैसी कि मेरे को ना काफी सारे जन और इसको भी पूछते रहते हैं कि आप लोग कैसे मिले बताओ बताओ, जबकि हम काफी दफा बता चुके हैं, इवन पूरा एक YouTube वीडियो भी बन चुका है इसके ऊपर। इसके ऊपर पूरा बट मैं फिर भी आज आपको बता रही हूँ, जो नए लोग हमारे नए सब्सक्राइबर्स एड हुए हैं हमारी इस यू नो जर्नी में हमारे साथ, तो हम लोग कैसे मिले? मैं तो नहीं मिलना चाहती थी जेन्युइनली, पर कैसे मिले? खुद आई थी मेरे पास रिक्वेस्ट करके करते मैं आई थी यार। देख अब तो देख यहाँ पर अभी हंसी मजाक नहीं, सच सच बताएं। अब तू असलियत बताएगा? अरे बता भैया कैसे मिले? हम लोग मिले थे इंस्ट्रूमेंट रूम में। सो वी वर इन सेम स्कूल और स्कूल्स में करिकुलर एक्टिविटीज होती है। हाँ तो ये भी इंस्ट्रूमेंट में ड्रामा कर रही, ड्रम बजाता था। नहीं तू तो ड्रामा ही करती थी, ड्रामे वाली लड़की। और मैं ज़ाइलोफ़ोन बजाती थी, तो मैंने इसको देखा था कि मतलब सेम पीरियड था हमारा, है ना? तो नहीं वो था एनुअल फंक्शन की वो चल रही थी, नहीं मैनुअल था, जीरो पीरियड में था। मेरे को इतना याद भी नहीं कि एनुअल, पर कोई पीरियड लगा था जो भी था हमारा। मैंने इसको देखा मतलब कि मतलब यहाँ पर लड़कों से वैसे भी इतना बात बात नहीं करती थी, खूब करती थी खूब, मतलब सारे नॉर्मल फ्रेंड्स से भी। तो मैंने इसको देखा कि ये एक लड़का है, ये जेब से फोन निकाल रहा है उस टाइम, अब मैं दोस्त को देंगे। तो मेरे को बहुत वो था कि ये स्कूल में बंदे अब लड़के फोन भी लाते हैं, और छुपन छुपा के अपना फोन दे रहा था। तो वहां से मैंने इसको देखा, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते उसके बाद बातचीत कभी तब भी नहीं हुई ना, हाय हेलो ही। इसने मेरे को तब देख लिया था, नोटिस में आ गई थी इसके में। तो पर उस टाइम मौका ये था कि उसे कुछ दिनों बाद ही ना मेरा बर्थडे था, और उस टाइम मैं फेसबुक भी चलाती थी, तब फेसबुक का जमाना था, फेसबुक वाला जमाना वो तो आज इंस्टाग्राम ये सब आ गया, तब फेसबुक वाला जमाना था, मैसेंजर। तो इसका मैसेज आ गया मेरे पास हैप्पी बर्थडे करके, आस्थापुरी को आप जानती होगे सारे, आस्थापुरी ने मेरे को साफ मना कर दिया कि इस लड़के से दूर रह, इस लड़के से बात तक मत करियो। और आज हमारी इसकी बेस्ट फ्रेंड है वो आस्थापुरी मोटी, क्योंकि आस्थापुरी का की लड़की की इमेज बहुत खराब है, बहुत ही घटिया लड़का है ये, सही लड़का नहीं। लड़ाई वड़ाई करते थे ना बैक बेंचर्स या। तो फिर मेरे को लगा फिर भी इसकी इसकी डीपी भी देखी, मेरे को सही लगा कि यार नहीं सही लग रहा है, मेरा मन नहीं माना। लड़का तो हीरा है, तू तो यही सोच रही होगी, लड़का जीरा है, जीरा है लड़का कुछ हीरा पीरा नहीं है, तू बकवास करता है। फिर ऐसी मैंने रिप्लाई कर दिया, फिर ऐसे धीरे धीरे बात होने लग गई। फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि ये मेरे मैसेज के बिना रह नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी चैन से। बकवास मत कर भाई, मैं मेरे पास ना आज भी कुछ फेसबुक के मैसेज, अब तो मैं फेसबुक आईडी नहीं कहाँ ही चली गई मेरी, वो उसके चेक भी नहीं कर सकती, उस पर नहीं नंबर नंबर चेंज हो गया था ना मेरा, कुछ कुछ स्क्रीनशॉट है इसमें, ये बंदा इतने मैसेजेस करता था मेरे को, मैं सिर्फ देखती थी ओके थैंक यू ओके, बस ऐसे ही बात करती थी मैं, ज्यादा नहीं तब भी इतना बात करती थी। बट धीरे धीरे ना मतलब 2 साल बाद ना हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, सही बताऊं तो। वैसा कि लंच ब्रेक में मैं डेली से मिलती थी, हम खूब बातें बातें करते थे प्लेग्राउंड क्या बोलती हूँ मैं, प्लेग्राउंड ही तो होता है, ग्राउंड में। हाँ ग्राउंड में, हाँ ग्राउंड में जाके हम बातचीत करते थे लंच ब्रेक में। तो ऐसे ही हम कुछ मिले, बाकी की स्टोरी बाद में बताऊंगी। और हमने बंक वगैरह भी खूब मारे, तूने मारे हैं, तू बंक मारता था मेरे लिए, मैं तेरे लिए बंक भी ना मारूं, बकवास कर रहा है। आई है बंक मार के, एक मारा होगा इक्का दुक्का, देखा है सर ज्योग्राफी वाले सर का। स्टोरी हम बाद में बता देंगे फिर कभी, पर फिलहाल तो ये मेन स्टोरी कैसे मिले। तो ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पर, और आप लोग को मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। कल मेरा मेन चैनल का ब्लॉग बनना है जो की बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड कह रहा हूँ, जो की बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। तो मेरा मेल चैनल है आयु व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो। बाय।